हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड की, जिसके अंदर अगर आप देखें तो एक महीने के अंदर 15% तक की मजबूती आती हुई नज़र आ रही है। और यहां पर अगर देखें तो 6 महीने के अंदर जो मजबूती तेज़ी वो दिखाई दे रही है, वो डेफिनेटली आप चार्ट पर अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे। कैसे अप्रैल महीने के अंदर जो हाई था और उसके बाद से ये शेयर टूटता हुआ नज़र आ रहा है, और यहाँ से ये जो बॉटम बनाया वहाँ से अभी शेयर के अंदर तेज़ी बनती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि जो असली जुगाड़ और सही मौके की मैं बात बताऊँ तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी यहाँ पर कि 309 रुपये का लो बनाने के बाद जो 23 जून को बना था, उसके बाद से इस शेयर के अंदर कंटिन्यूसली काफ़ी अच्छी तेज़ी आती हुई नज़र आ रही है। आज 17 और उसके बाद 26 अगस्त को इस शेयर ने काफ़ी बड़ी तेज़ी के साथ मजबूती दिखाई है। ये इसका 18 अगस्त को 417 का इसने हाई बना, और उसके बाद से 26 अगस्त को दोबारा से इसने अपने उस हाई को तोड़ते हुए दिखाया। यानी कि जो प्रीवियसली 2-3 महीने के अंदर इस शेयर के अंदर चलता हुआ नज़र आ रहा है वो आपको इस समय दिखाई दे रहा है। यानी कि जून महीने के से लेकर के जून जुलाई अगस्त यानी कि 2 महीने के अंदर इतनी ज़बरदस्त मजबूती इस शेयर के अंदर डेफिनेटली बहुत बढ़िया आपको रिटर्न मिलते हुए दिखाई दे रही है। ये देखिए काफ़ी अच्छे प्राइस से ये टूटता हुआ नज़र आ, और ये डेफिनेटली बहुत बढ़िया पोजीशन वाला टाइम था जहाँ से ये शेयर दोबारा से लिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा। और ऐसे शेयरों के अंदर मौका चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि इस समय अभी भी ये शेयर उतना नहीं भागा है जितना कि इसने अपना प्रीवियस अपने हाई बनाया था। ये यहाँ पर जो हाई नज़र आ रहा है 571 रुपये से अभी बहुत नीचे है, और अगर आपने शेयर के अंदर माल दबा के भरा है नीचे पोजीशन पर, यानी कि मौका मिला होगा तो ज़रूर भरा होगा। और मौके के साथ आप देखेंगे अभी शेयर के अंदर मजबूती और स्पीड बनती हुई दिखाई दे रही है। 42,000 करोड़ की मार्केट कैप है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत बड़ी भारी भरकम कंपनी है। 304 रुपये का इसने लो बनाया है, 578 रुपये का इसका हाई है, और इस समय ये बीच में चलता हुआ 420 पर नज़र आ रहा है। 1 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 17% से ऊपर है। वहीं चार्ट पैटर्न को आप अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं कि शेयर दोबारा से ऊपर की तरफ लिफ्टिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है, और यही मौका है कि शेयर कैसे भागेगा। इसके साथ साथ मैं बताऊँ तो कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट, और यही रीज़न है कि जैसे जैसे डेट कम होता हुआ नज़र आएगा इस शेयर के अंदर, आपको इस समय एक ही चीज़ देखनी चाहिए और वो है नंबर वन की पोजीशन। और नंबर वन की पोजीशन वाली ये कंपनी इस समय सबसे आगे है, इसकी मार्केट कैप के आगे कोई भी दूर दूर तक नज़र नहीं आएगा आपको। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कंटिन्यूसली जो रिटर्न इस शेयर के अंदर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है वो डेफिनेटली पिछले 3 क्वार्टर से बहुत बढ़िया रिटर्न निकलते हुए शेयर के अंदर दिखाई दे रहे हैं। और एक टाइम पर ये 41 करोड़ पर आ गए थे, लेकिन अब अगर बात करें तो 4 डिजिट के अंदर आते हुए ये स्पीड के साथ भागते हुए नज़र आ रहे हैं। ईयरली वाइज ग्रोथ की बात करें तो नेट प्रॉफिट के अंदर इस साल बहुत अच्छी मजबूती आई है, जो पिछले काफ़ी टाइम से अगर आप देखें लॉस मेकिंग कंपनी थी वो 4,012 करोड़ का नेट प्रॉफिट बनाती है, उसके बाद 5,700 और उसके बाद 7,700 करोड़ का।